फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। दोस्तों हमने फ्राइडे को यस बैंक पर वीडियो बनाया था क्योंकि एक बड़ी अपडेट थी कि यस बैंक ने अपना स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत आरबीआई से लिया हुआ 50,000 करोड़ का पूरा लोन जो था वो रिपे कर दिया है, जो बैंक के लिए एक बड़े गर्व की बात थी जिसको आपके साथ हमने शेयर किया था। दोस्तों उसके बाद एक और गुड न्यूज़ निकल कर आई थी जिसको आपके साथ शेयर करना बाकी था, इसके लिए आज हम ये वीडियो बना के उसको पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ में उन व्यूवर्स की समस्या का भी निवारण करेंगे जो हर बार पूछते हैं, सर आप स्टॉक को बाय करने का बोलते हो लेकिन स्टॉक 15 के ऊपर तो जाता ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि स्टॉक 15 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज यस बैंक का स्टॉक करीब 14.95 पर ओपन हुआ, फिर 14.55 का लो बनाया और वहां से 15.25 का हाई बना के 14.75 पर करीब 1.37% अप पर क्लोज हुआ। आज बीएससी में करीब दोस्तों 5,36,65,804 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और एनएससी में करीब 31,58,70,197 शेयरों की ट्रेडिंग हुई। दोस्तों अभी जो सबसे बड़ी जो एक न्यूज निकल कर आ रही है वो यह है कि ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी और यस बैंक ने आपस में टाई अप कर लिया बिजनेस के लिए। इस टाई अप के तहत दोस्तों यस बैंक के कस्टमर्स को अभी ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस की सेवा दी जाएगी और दोस्तों यह जो नया टाई अप हुआ है यह दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, यानी बैंक के लिए भी और ICICI लोम्बार्ड के लिए भी, क्योंकि दोनों के अपने अभी जो कस्टमर है वो दोनों को नए कस्टमर मिल जाएंगे और यह सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन कस्टमर्स के लिए भी है जिनके अकाउंट अभी जो है यस बैंक के अंदर है, क्योंकि उनको अभी इंश्योरेंस की सेवा भी साथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों एक तरह से यस बैंक अपने हर तरह से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका जो बिजनेस है बढ़े, तो ये दोस्तों बैंक के लिए एक अच्छी बात है कि बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जिसका फ़ायदा आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में बैंक को दिखाई देगा। अब दोस्तों अब आगे बात को लेकर चलते हैं तो दोस्तों यस बैंक को लेकर सारी रेटिंग एजेंसियां उत्साहित है और यस बैंक पर अपनी रेटिंग लगातार बढ़ा रही है। सबसे पहले मूडीज ने अपनी रेटिंग अपग्रेड की थी क्योंकि उन्होंने यस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपये बाजार से जुटा लिया था, जबकि उस टाइम बैंक की साख पूरी तरह से गिरी हुई थी, कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी जगह रकम जुटा ली थी। उसके बाद क्रिसिल ने भी अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया था, पहले A2 थी उसको A2 प्लस कर दिया था क्योंकि बैंक का फंड और लिक्विडिटी प्रोफाइल लगातार मजबूत हो रहा था। उसके बाद में इंडिया रेटिंग ने भी अपनी रेटिंग को बढ़ा दी, इंडिया रेटिंग ने अपनी जो BB- की जो रेटिंग थी उसको BBB कर दिया था और अब ICRA ने भी अपनी रेटिंग बढ़ा ली है। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी ICRA ने रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि एक प्राइवेट बैंक के लिए जो भी पैरामीटर बनाए गए थे उन सब को यस बैंक ने अच्छी तरह से फॉलो किया है। बैंक ने FD के जरिए पूंजी भी बहुत जुटाई है, साथ में RBI द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी द्वारा लिया गया सारा लोन भी समय के अंदर ही चुका दिया है, जो बैंक को एक जिम्मेदार बैंक की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा करता है। इसलिए ICRA ने जो पहले उसे D रेटिंग दी हुई थी जिसका मतलब डिफ़ॉल्ट ग्रेड, उसको अपग्रेड करके अब BB+ कर दिया, यानी बैंक अभी स्टेबल पोजीशन पर है और भरोसे के लायक बैंक है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि बैंक उन सारे रूल्स को फॉलो कर रही है जिनको एक प्राइवेट बैंक के लिए RBI के द्वारा बनाया गया है। बैंक ने अपने बोर्ड के पूरे मैनेजमेंट को भी चेंज कर दिया है, SBI के द्वारा बैंक के नए CEO MD प्रशांत कुमार की पोस्टिंग की गई है और साथ में 4 नए नॉमिनी डायरेक्टर भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 2 SBI के द्वारा और 2 RBI के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो बैंक को हर तरह से ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए। दोस्तों बैंक अपने उस हर कमिटमेंट को पूरा कर रही है जो बैंक ने किए हैं। इसके साथ में दोस्तों बैंक अपने पुराने डूबे हुए कर्ज को भी वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है, बैंक अपने खर्च में भी बहुत सारी कटौती कर रही है और ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए डिजिटल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है और यही रीज़न है कि सारी रेटिंग एजेंसियां लगातार अपनी रेटिंग को सुधार रही है। अब बात करते हैं दोस्तों उन व्यूवर्स की जो कमेंट करके ये पूछते हैं कि स्टॉक 15 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों पिछले कई दिनों से वॉल्यूम के हिसाब से यस बैंक का स्टॉक करीब सेकेंड पोजिशन पर ही चल रहा है, यानी रोज़ करोड़ों शेयरों की ट्रेडिंग हो रही है। उन व्यूवर्स में भी दोस्तों
ज़्यादा जो है डिलीवरी बेस्ड काम 30-40% होता है, बाकी 60-70% इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। यानी एक ही दिन में सेट स्टॉक में एक डे ट्रेडर को कमाने के लिए मात्र 50 पैसे की जरूरत होती है, यानी 50 पैसे में भी बहुत ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। इसलिए यस बैंक का स्टॉक लगातार उनकी बाइंग और शॉर्ट सेलिंग चलती रहती है और इसी वजह से स्टॉक एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, क्योंकि डे ट्रेडिंग का कामकाज ज़्यादा हो रहा है और इतने करोड़ों की संख्या में हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, जो इसके लंबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर है वो पहले से बहुत सारी डिलीवरी लेके बैठे हुए हैं और अभी ज़्यादा मात्रा में लंबी पोजीशन लेने वाले इन्वेस्टर भी नहीं है, इसलिए स्टॉक यहाँ पर रुका हुआ है। परंतु दोस्तों ये ज़्यादा दिन तक रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव सिग्नल स्टॉक में होने के बावजूद स्टॉक यहाँ पर रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और आने वाले समय में बहुत जल्द स्टॉक यहाँ से उठेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इस स्टॉक में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो यह समय एकदम बिल्कुल सही है। इस टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये मत देखो कि स्टॉक अभी 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये छोटी अमाउंट देके आपको कोई मतलब नहीं है। इसको लंबे समय के लिए आपको लेना है। एक बार लेके आप इसको भूल जाओ, आने वाले समय में ये आपको ज़रूर मालामाल करेगा। बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो कोई माई का लाल इसको स्टॉक को नीचे लेवल पर रोक के नहीं रख सकता दोस्तों। ये स्टॉक जरूर बढ़ेगा, दौड़ेगा और एक टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक जरूर बनेगा। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास रखना होगा। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।